नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेली ट्रैकिंग है उसको हम लोग कैसे भरेंगे, डेली ट्रैकिंग में कैसे बच्चों को अटेंडेंस लगाएंगे, कैसे उनका भरेंगे, कैसे उनको जो मॉर्निंग स्नैक्स है उन सभी की डिटेल्स भरेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के आने के बाद कुछ चीज़ें चेंज की गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूरी विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा कम्प्लीट देख लेना है, ठीक है। तो बहनों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे जो डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को आपको एक बार क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोगों का एक आंगनबाड़ी केंद्र का इमेज दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र का कोड है वो रहेगा और आज का डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो खोले वाला ऑप्शन है यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके और ठीक है पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ग्रीन हो जाएगा, यानी कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुका है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो मॉर्निंग स्नैक्स और अटेंडेंस है इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स का एक ऑप्शन खुल के आ गया, एक पेज खुल के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ आप लोग देखेंगे, यहाँ पे उपस्थिति है और यहाँ पे सुबह का नाश्ता है। दोनों चीज़ आप लोग देखेंगे तो दोनों सेम ही कैटेगरी है, दोनों में से किसी को भी आप ओपन करके अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर उपस्थिति वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति लगाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बच्चों की जो लिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पे ये देखनी है कि आज हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे आए हैं, कौन कौन से बच्चे आए हैं, उन सभी का हमें टिकआउट करना है और उनकी उपस्थिति लगानी है। जैसे कि हम यहाँ पे उपस्थिति पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बच्चे का उपस्थिति लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आए हैं उन सभी की उपस्थिति इस प्रकार से लगाते चलनी है और जो नहीं आया है उसके ऊपर कोई भी टिक वगैरह नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बच्चों की अटेंडेंस यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना दिया है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने बच्चे रहेंगे उनकी उपस्थिति आप लोग देख के भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम मॉर्निंग स्नैक्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये बच्चा आया हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र में, इसकी उपस्थिति लग गई है। अब यहाँ पे हम मॉर्निंग स्नैक्स पे क्लिक कर देंगे। जिन जिन बच्चों को हम उपस्थिति बनाएंगे उन बच्चों के सामने यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स का जो ऑप्शन है उस पर टिकआउट करेंगे। जो बच्चा नहीं आया है उस पर मॉर्निंग स्नैक्स का टिकआउट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि हमने कितने बच्चों की अटेंडेंस लगाई है और कितने बच्चों को हमने मॉर्निंग स्नैक्स दिया है। एक बात का यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जितने भी बच्चों का आप यहाँ पे अटेंडेंस लगाएंगे, जितने भी बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स देंगे उतने ही बच्चों को आप लोगों को हॉट कुक मील यानी कि SCM भी देना है। तो SCM कैसे देना है चलिए अब आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने बच्चों का जो अटेंडेंस है वो हमने लगा दिया है और यहाँ पर सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 47 बच्चे हैं, जिसमें कि 12 बच्चों का यहाँ पे अटेंडेंस लग गई है। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में भी देख सकते हैं 12 बच्चे का यहाँ पे सुबह का नाश्ता में भी इन लोगों का अटेंडेंस लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम THR या SCM वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि THR का ऑप्शन जो है कि डेली ट्रैकिंग से ही अब आप लोगों को करनी है। THR कैसे भरनी है, किस लाभार्थी को क्या THR देनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की है। आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे अब जिस बच्चों को हमने अटेंडेंस लगा दिया है उनको हम लोग HCM का अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 6 साल वाले बच्चों की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे जो कि स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे बच्चे हैं, ठीक है। अब इनको हमें HCM देना है तो यहाँ पर हम HCM पे क्लिक करेंगे, यानी कि इनके कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल के आ जाएगी, पहला है HCM और दूसरा है THR। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे बच्चे हैं उनको हम लोग THR नहीं देते हैं, तो इस ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे जो बच्चे उपस्थित हैं उनको हमें HCM की टिक लगानी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से जिस बच्चों को हमने अटेंडेंस वहाँ पर लगाया है उन सभी को HCM यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर अटेंडेंस जितने भी बच्चों का लगाए हैं उनको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे,
ठीक है, जैसा कि हमने अभी फिलहाल 12 बच्चों का वहाँ पे अटेंडेंस लगाया है, तो यहाँ पे 12 बच्चों को हमने SCM भी लगा दिया है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सुरक्षित करे वाले पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो भी बच्चों का अटेंडेंस लगा है उनका SCM भी लग चुका है। इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेली ट्रैकिंग का काम है आप लोगों को इस प्रकार से करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 बच्चों का यहाँ पे SCM का अटेंडेंस लग गया है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जितने बच्चे रहेंगे उतने बच्चों का आप लोगों का अटेंडेंस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ जाता है गतिविधि। गतिविधि आप लोगों को भरनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लोगों का जो आज का अटेंडेंस है या आंगनबाड़ी केंद्र आपने खोला है या नहीं खोला है वो सबमिट हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आंगनबाड़ी केंद्र खोलते समय यहाँ पे जो गतिविधि है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता पूर्व जो शिक्षा होती है उसके लिए यहाँ पे आपको टिकआउट करना होता है, तो दोनों पे हमने पहले ही आंगनबाड़ी जब केंद्र खोला था उसी टाइम इसको सबमिट कर दिया है। जब आप आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे उसी टाइम इसको सबमिट करेंगे तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएगा और उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थी आज की ये वीडियो। आई होप आप सभी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।